और अब बड़ी खबर आपको बताऊं जो मुंबई से सामने आ रही, जहां मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कल देर शाम से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में लगातार बारिश से मुंबई में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद जो है वो रखा गया है, और साथ ही साथ बीएमसी की तरफ से वार्निंग जारी की गई है और लोगों से अपील की गई है कि जरूरत पर ही वो घरों से बाहर निकले। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीएमसी के कमिश्नर कंट्रोल रूम में मौजूद है और लगातार अलग अलग इलाकों से स्थिति का जायजा वो ले रहे हैं। और साथ ही साथ बीएमसी की तरफ से अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। तो मुंबई में बुधवार को हुई भारी बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया है और उड़ानों के मार्ग इससे बदलने पड़े। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं बताए हैं। जलमग्न सड़कों पर वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं, जिससे देश की वित्तीय राजधानी के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम हो गया है। मुंबई नगर पालिका एजेंसी ने आज स्कूलों और कॉलेज के लिए छुट्टी की घोषणा की है। स्पाइसजेट, इंडिगो और विस्तारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि कुछ उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ गुजरात क्षेत्र में आज अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, बिहार, अरुणाचल प्रदेश के साथ असम और मेघालय में भी बहुत बारिश का अनुमान जो है वो जारी किया गया है। रेनफॉल वार्निंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है वो जारी किया गया है 26 सितंबर को लेकर देश के कई राज्यों में, और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात को रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के साथ ही अलग अलग स्थानों पर गुजरात में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। आज के लिए ऐसा ही अनुमान गुजरात क्षेत्र के लिए भी मौसम विभाग ने जताया है। वहीं आपको बता दें कि जो तमाम सड़कें हैं मुंबई में, वो लगातार हो रही बारिश से जलमग्न नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हैं, किस तरीके से जो आम लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करके कल घर पहुंचे दफ्तर से, और बारिश जो है वो लगातार कल शाम से जारी है, और ऐसे में कई इलाकों में जलभराव की समस्या जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा कई जगहों पर वाहन जो है वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ बीएमसी की तरफ से चेतावनी जो है वो लोगों को जारी की गई है। कहा गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आज घर से बाहर निकले। स्कूल्स और कॉलेजेस को आज के लिए बंद रखा गया है ताकि लोग जो हैं वो सड़कों पर, बच्चे खासतौर पर ना निकले, क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो स्थिति इस वक्त बनी हुई नज़र आ रही है उसमें आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। और रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ चेतावनी जारी की गई है कि समुद्र के आसपास के इलाकों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि बारिश जिस तरीके से लगातार जारी है और मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन जो है वो महाराष्ट्र में, ख़ासतौर पर राजधानी मुंबई में ठप पड़ा हुआ नज़र आ रहा है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई में बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की शिकायत जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि बीएमसी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, लोगों से अपील की गई है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर निकलने से बचें। इसके साथ ही साथ स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टी आज के लिए घोषित की गई है। किसी अफवाह पर विश्वास न करें, ये भी बीएमसी की तरफ से कहा गया है। और भारी बारिश के कारण आपको बता दूं कि बुधवार को एयरपोर्ट पर आने वाली 14 उड़ानों के मार्ग का परिवर्तन करना पड़ा और उन्हें अन्य हवाई अड्डों पर उतारना पड़ा। इसके साथ ही साथ आज भी खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट्स जो हैं वो डाइवर्ट रह सकती हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। सब कुछ महाराष्ट्र में जो है वहाँ ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है।